हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इतिहास में वीर सपूतों की वीर माताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम है महाभारत की वीर माता कुंती का, जिन्होंने अपने तीनों पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन एवं राजा पांडु की दूसरी रानी रानी माद्री के दो पुत्र नकुल और सहदेव, इस तरह पाँचों पुत्रों का एक समान लालन पालन किया था। उन्होंने कभी पांचों पुत्रों में भेदभाव नहीं किया। माता कुंती ने पांचों पांडवों को इस प्रकार संस्कार दिए थे कि वह पांचों एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। इस प्रकार के निस्वार्थ प्रेम के पीछे उनकी माता कुंती का ही हाथ था। माता कुंती ने बचपन से ही रामायण और अन्य वेदों तथा उपनिषदों का ज्ञान पांडवों को दिया था, जिसके कारण जब द्यूत में युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों और स्वयं अपने आप को भी दाव पर लगा दिया, तब भी किसी ने उसके सामने सवाल नहीं उठाया था। और उनके ही संस्कार थे कि इस तरह कौरवों में एकता नहीं थी, वहीं पांचों पांडवों की एकता के कारण ही वह पांडव युद्ध जीत गए थे। इतिहास की दूसरी वीर माता का नाम है महारानी जयवंताबाई, जो वीर पुत्र महाराणा प्रताप की माता थी, जिन्होंने बचपन से ही महाराणा प्रताप को महाभारत, रामायण और अन्य कई ग्रंथों के जरिए युद्ध नीति, कूटनीति, राजनीति शास्त्र, धर्म और वीरता जैसे कई गुण सिखाए थे। माता जयवंताबाई की नीति पर ही चलते हुए महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया था। महाराणा प्रताप ने जयवंताबाई की बातों से ही कभी अपने धर्म, अपने देश को किसी को जीतने ही नहीं दिया था। जब भी महाराणा प्रताप के जीवन में कोई भी मुसीबत आती थी, उसका हल महाभारत से ही माता जयवंताबाई ले आती थी। माता जयवंताबाई ने ही अपने वीर पुरखों का उदाहरण देकर और उनकी वीरता के किस्से सुनाकर उनमें वीरता और अपने देश के लिए मर मिटने की तथा बलिदान की भावना उनमें जगाई थी। इतिहास की वीर माताओं में तीसरा नाम है महारानी जीजाबाई का, जो वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। माता जीजाबाई शिवाजी की माता होने के साथ साथ उनकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थी। उनका सारा ही जीवन त्याग और साहस से भरा हुआ था, क्योंकि उनके पति शाहजी और बड़े पुत्र संभाजी बहुत ही जल्दी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने जीवन भर कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में भी कभी अपना धैर्य नहीं खोया और अपने पुत्र शिवा को अच्छे संस्कार, वीरता और अपने देश के लिए मर मिटने की भावना जगाती रही थी। वह हर दिन श्रीमद् भगवद गीता और रामायण का पाठ सुनाकर अपने शिवाजी में देशभक्ति और अपने धर्म के लिए मर मिटने की भावना जगाती रही थी, और यही कारण है कि शिवाजी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज बन पाए थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।